हाय गाइस, तो आज मैं रिव्यू कर रही हूँ कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर क्या है? क्या मक्की का आटा है या फिर कुछ और? आपको मैं सब कुछ बताऊंगी, बस आप कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ताकि आपसे ऐसी डेली वीडियोस मिस ना हो। तो देखिए, इसका कुछ पैकेट ऐसा आता है, इस पर एक छोटा सा बेबी बना होता है और यहाँ पर लिखा है कॉर्नफ्लावर। अगर हम इसकी बैक साइड पर देखें तो इस पर तीन स्टेप्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट स्टेप में लिखा है मिक्स 1 टेबल स्पून ऑफ वीक फील्ड कॉर्नफ्लावर टू 15 to 20 milliliters ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। सेकेंड स्टेप स्टीर अंटिल देयर आर नो लम्प्स। थर्ड, प्योर द स्लरी स्लोली इन टू द हॉट डिश एंड कुक फर्दर फॉर अ फ्यू मिनट्स। अगर आपके समझ में आया हो, इसका मतलब अगर मैं कहूँ, इस सब का मतलब ये है, कॉर्नफ्लावर यूज़ करा जाता है डिश को थिक करने के लिए। डिश मतलब जो हमारी होती है ना प्योरी, उसको थिक करने के लिए। जैसे हम देख लें चिकन चिली, मंचूरियन, कुछ इस टाइप की डिशेस में आप नॉर्मल सा पानी लें, उसमें 1 टेबल स्पून आप डाल दें उसको कॉर्नफ्लावर को, उसे मिक्स कर लें, उसमें लम्प्स ना हो, और फिर आप अपनी इसको डिश में डालें जो भी आपने बनाया हो। कॉर्नफ्लावर मक्की का आटा नहीं, जैसा कि हम जानते हैं कॉर्न का मतलब मक्की और फ्लावर का मतलब आटा। काफ़ी लोग सोचते हैं कि इसका मतलब मक्की का आटा ही होगा, वो तो हमारे घर में भी रखा है, हम उससे बना लेते हैं, फिर अच्छा टेस्ट नहीं आता है क्योंकि वो तो कॉर्नफ्लावर है ही नहीं, वो तो मक्की का आटा है। कॉर्नफ्लावर देख कैसा होता है, मैंने अभी आपको खोल के भी दिखाया है, अब मैं इसको आपको प्लेट में लेकर भी दिखाऊंगी। जब आप इसे परचेस करें, बहुत महंगा नहीं है, ओनली 27 रुपीज़ का ये डब्बा आता है, ये सबसे छोटा है, और जब आप इसे खोलकर हाथों में लेंगे तो ये अजीब सा रहता है, बुरबुरा सा रहता है। और ऐसा नहीं कि मैदा और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, बहुत फ़र्क होता है। मैदा काफ़ी सस्ता आता है, अगर आप 27 रुपीज़ का मैदा लेंगे तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आती है, पर ऐसा नहीं है, इसकी काफ़ी सारी वेराइटी आती है, जैसे कि कस्टर्ड पाउडर भी आता है इसमें, फालूदा मिक्स भी आता है, पास्ता भी आता है। तो आप ऐसा कभी ना सोचें कि मक्की का आटा ही कॉर्नफ्लावर है, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। अगर आपके वीडियो देखने के बाद थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो और वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब प्लीज़। जल्दी मिलूंगी अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।